आप भी इसी तरह वीडियो बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि आपका शर्ट का कलर या टी शर्ट का कलर चेंज होते रहे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप काइन मास्टर के थ्रू अपने शर्ट का कलर और टी शर्ट का कलर बार बार बदल सकते हैं। आप बहुत सारे वीडियो में ऐसे देखते होंगे कि कोई डांस कर रहा है या फिर कोई चल रहा है, लेकिन ऐसे ही चलते चलते या डांस करते करते उनका ड्रेस का कलर चेंज हो जाता है और इस तरह का वीडियो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो अगर इस तरह की वीडियो आपको भी अगर बनाना है जिससे कि आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल सके, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप कुछ भी मिस कर जाते हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कम मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन में जाने का है। यहाँ पर आपको प्लस आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइज सेलेक्ट करने का है, किस साइज में आपको वीडियो बनाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मीडिया ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है और बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेने का है। फिर ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आने का है, फिर यहाँ से आपको लेयर में क्लिक करना है। उसके बाद जो सबसे पहला ऑप्शन है मीडिया, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको उस वीडियो को सेलेक्ट करने का है जिस वीडियो का आप कलर चेंज करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन में क्लिक करना है सेकंड वाले। उसके बाद ये फुल स्क्रीन हो जाता है, ओके करने का है। फिर हमें ये वीडियो क्लिप को सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें इसे क्रोमा की करना पड़ेगा, मैं करके बताता हूँ। उसके लिए पहले आपको यहाँ पे कलर को सेलेक्ट करना है, ग्रीन कलर ही सेलेक्ट हुआ है, फिर इसे इनेबल करना है। फिर आप देख सकते हैं ये येलो कलर हो गया है, फेस भी येलो कलर हो गया, ड्रेस भी येलो कलर हो गया है, इसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए हो गया। फिर ओके करना है। उसके बाद मुझे जैसे यहाँ से तो अभी वीडियो बनाना नहीं है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, पूरा वीडियो देखिए। यहाँ मीडिया में जाके आपको फिर से उसी वीडियो को सेलेक्ट करने का है, फिर इस वाले नीचे वाले वीडियो क्लिप को आपको इधर खिसका के साइड में लाने का है, दोनों बराबर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने वापस चालू किया, फिर यहाँ से आपको इसको ट्रिम कर देने का है, राइट साइड पूरा ट्रिम कर दिया। अभी आप वापस देख सकते हैं, तो इससे क्या रहेगा, आपका ओरिजिनल वीडियो पहले दिखेगा, दिखा। फिर उसके बाद फिर ऐसे सेलेक्ट करने का है, फिर वापस ट्रिम में जाने का है, राइट में क्लिक करना है, हो गया, ये वाइट हो गया। अभी फिर प्ले कीजिए, देखिए आप चाहे तो इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए पहले, फिर इसको ऐसे बड़ा करना चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं वापस सेट करता हूँ, अभी वापस इसको ट्रिम कीजिए। फिर वापस ट्रिम कीजिए, फिर वापस ट्रिम कीजिए, इतना होने के बाद आप शुरू से देख सकते हैं कि आपका ये वीडियो क्लिप कैसा बना है। देखिए आप इसे अपने तरीके से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई सा भी वीडियो बना सकते हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पर आके यहाँ पे रुक जाने का है, इसको ट्रिम कर देने का है राइट साइड में, ये सारे आपको जो भी है आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिएगा।
फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको शेयर में जाने का है और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? आई होप आप सभी को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारे इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया है, मैं आपको उसका रिप्लाई देके अच्छा से बता दूंगा या फिर इसी टॉपिक में और एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।